सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल रिक्वेस्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, मैं हूँ राहुल। आप सभी को हमारा टेक्निकल रिक्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि हम जितने भी नया नया वीडियो अपलोड को तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मेरे पास आया था जो एक मोबाइल है, जिसके वजह से इस मोबाइल पर क्या लिखा था फ्रेंड, डिवाइस। तो डिवाइस लॉक का मतलब क्या है, देखिए फ्रेंड, अगर कोई भी जियो सिम अगर लगाते हो तो लगाने के बाद वहाँ पे आपका डिवाइस लॉक नहीं बताएगा, वो चालू हो जाएगा फ्रेंड। अगर जियो सिम खोल देते हो इस मोबाइल से, अगर इसको निकाल देते हो तो निकालने के बाद क्या होता है फ्रेंड, डिवाइस जो है डिवाइस लॉक हो जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा, जब मोबाइल चालू करने के लिए जाओगे तो डिस्प्ले पर आपको दिखाई देगा, वहाँ पर जियो सिम अगर अलग करने से आपका जो डिवाइस है लॉक हो चुका है। तो इसके लिए आपको अनलॉक करने के लिए आपको जियो डिवाइस को लगाना पड़ेगा, जियो सिम को लगाना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका जो है जियो मोबाइल चालू हो जाए, जो भी मोबाइल है उसके बाद आपका मोबाइल नंबर चालू हो जाएगा। तो उसके इस तरीके से आपको मैसेज डिस्प्ले पे दिखाई देता है। तो इस सोल्यूशन को आपको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, उसका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं बताऊँगा कि आप लोग किस तरह से उसको हल कर सकते हो, किस तरह से उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो इसके बारे में बताऊँगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लेने का, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लेने का, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आगे का बताता हूँ आपको, मोबाइल पर दिखाता हूँ कि किस तरह से मैसेज आ रहा है डिस्प्ले पर, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, मैं पूरा स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। तो इसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा वीडियो को स्किप मत करना, जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। पता है कि हर कोई मोबाइल पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता होगा जो आप लोग को इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है। तो वहाँ पे देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हो, डिवाइस लोकेट प्लीज इंसर्ट ए वैलिड जियो सिम टू अनलॉक डिवाइस टॉप ऑन अनलॉक आफ्टर मेकिंग श्योर दैट कनेक्शन टू डाटा नेटवर्क कल्चर ऑफ वाईफाई इच एक्टिव। तो इस तरीके से बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप लोग सिम निकालते हो तो निकालने के बाद आप लोगों जो मोबाइल लॉक हो जाता है, अगर सिम को लगाता है तो आपका जो लॉक है अनलॉक हो जाता है, चालू हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से आप लोग बहुत परेशान होते हैं, तो जिसकी वजह से आपको कोई दुकान पर लेके जाते हो तो जिसकी वजह से आप लोग दुकान पे लेके जाते हो, दुकान पे लेने के बाद आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको वहाँ पे पैसा देना पड़ता है। तो पैसा बहुत, देखिए आप लोग को जो जेब से 200-300 रुपया खर्चा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पैसा खर्चा हो जाता है फ्रेंड। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊँगा कि किस तरह से उस मोबाइल को जो अनलॉक कर सकते हो, वो भी अपना तरीका से। तो इसी बारे में पूरा स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। तो इसके लिए हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, उसके बाद बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि इस तरह का नया नया वीडियो लेकर रहते रहो तो आपका जो है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मोबाइल को आपको स्विच ऑफ कर लेने का। तो स्विच ऑफ करने के लिए आपको पावर बटन को दबाना पड़ेगा, उसके बाद जाके स्विच ऑफ कर सकते हो। तो देखिए स्विच ऑफ करने के लिए, देखिए मैं इसको स्विच ऑफ कर लेता हूँ फ्रेंड। तो देखिए वहाँ पर पावर ऑफ लिखा हुआ है, तो उसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा जो है मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है। तो स्विच ऑफ होने के बाद उसके बाद आपको देखिए जो जिस तरह का जो वॉल्यूम अप डाउन का बटन दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो स्विच ऑफ होने के बाद आपको एक बटन को जो पावर बटन के सामने एक रखना पड़ेगा, उसके बाद एक वॉल्यूम बटन का ऊपर रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस, मैं इस तरीके से रख लेता हूँ, एक पावर बटन उसके बाद एक वॉल्यूम बटन का ऊपर रख लेता हूँ। तो देखिए आप लोग देख सकते हो वहाँ पे, तो एक बटन वहाँ पे रखा पावर बटन, एक बटन वॉल्यूम पे, तो उसके बाद एक साथ में दबाता हूँ। तो देखिए गाइस, उसके बाद पावर बटन को छोड़ देने का, उसके बाद वॉल्यूम बटन को दबा के रखने का फ्रेंड। तो देखिए उसके बाद आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है। तो उस मॉडल का देखिए फ्रेंड, उस मॉडल का नाम है आपको देखिए आईटेल मोबाइल, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है आईटेल का है। तो उसके बाद आपको इस तरह का दिखाई देता है ऑप्शन, तो उसको आपको देखिए रोबोट सिस्टम नाउ जो आपको सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा है, तो उसका फोकस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है फ्रेंड अच्छे तरीके से। तो चलिए कोई बात नहीं, उसका फोकस कर लेता हूँ सबसे पहले। तो देखिए गाइस, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रोबोट जो सिस्टम नाउ लिखाई दे रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखिए वहाँ पे वॉल्यूम डाउन जो बटन है, तो आपको इसको नीचे कर लेने का। तो नीचे करने के बाद वहाँ पे देखिए, नीचे करने के बाद नीचे आ रहा है, उसके बाद आपको
वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट जो लिखाई दे रहा है तो वहाँ पे लेके आने का। उसके बाद आपको वहाँ पे पावर बटन जो है उसको फिर से इसको दबा देने का। ओके, दबाने के बाद फिर से आपको एस पे जो एस नो है एस पे फिर नीचे आने का, इस तरह से स्क्रॉल करके उसके बाद फिर से पावर बटन को दबा देने का। तो देखिए गाइस, हमारा जो है वहाँ पे रिसेट होना चालू हो चुका है, वहाँ पे देख सकते हो। फिर से मैं जाता हूँ वाईफाई डाटा पे, उसके बाद फिर से इस तरह कर लेता हूँ, फिर से एस पे कर लेता हूँ, फिर से उस तरह कर लेता हूँ, दबा देता हूँ। ओके, उसके बाद देखिए हमारा हो चुका है। उसके बाद आपको क्या ना रिबूट सिस्टम नाव पे जो है वहाँ पे रहने देने का। उसके बाद आपको पावर बटन को दबा देने का फ्रेंड। उसके बाद जो मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑफ खोल लेगा फ्रेंड। तो देखिए वहाँ पे हमारा जो है मोबाइल ऑटोमेटिक वहाँ पे स्विच ऑफ खोल चुका है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आईटेल वहाँ पे पावर्ड बाय एंड्रॉइड गो एडिट सन लिखा हुआ है। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है खोलने में, क्योंकि ये रिसेट हो रहा है, हाल रिसेट हो रहा है फ्रेंड, जिसकी वजह से आपका मोबाइल जो ठीक होने वाला है। तो देखिए गाइस, वहाँ पे फिर से आ रहा है हमारा जो डिवाइस लॉकेट प्लीज इंसर्ट वैलिड जियो सिम टू अनलॉक डिवाइस टॉप टू वन। तो इस तरीके से आपको फिर से दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अनलॉक पे क्लिक कर देता हूँ। तो अनलॉक पे क्लिक करना हो तो वहाँ पे बोल रहा है कि सेटअप वाईफाई, तो मैं सेटअप वाईफाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो सेटअप वाईफाई पे क्लिक करने के बाद तो देखता है, तो गाइस मेरा जो है वाईफाई चालू कर दिया। उसके बाद वहाँ पे गले से जो मेरा वाईफाई वहाँ पे आ चुका है, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके ऊपर टिप करने के बाद देखिए हमारा वहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो कनेक्ट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए थ्री डॉट पे क्लिक कर देता हूँ। तो थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद हेल्प एंड फीडबैक्स लिखा हुआ है, हेल्प एंड फीडबैक्स पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसके बाद आपको इस तरह का रिसेट होने के बाद आपको इस तरह का दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कॉपी एप्स एंड डेट इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको सबसे नीचे जो है सेटअप एस न्यू पे आपको क्लिक कर देने का। तो सेटअप न्यू एस न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए वहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग प्रोसेस लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको वहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस मांग रहा है। तो अगर आपका पुराना ईमेल एड्रेस है तो वहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो आपको क्रिएट ए न्यू ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर सकते हो। तो इसके लिए मैं स्किप पे क्लिक कर देता हूँ। तो स्किप पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे स्किप अकाउंट सेटअप लिखा हुआ है, तो मैं गो बैक स्किप, तो स्किप पे क्लिक कर देता हूँ फिर से। तो फिर से इसे स्किप पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे बोल रहा है कि नेम एडिशन नेम अलाउ योर फोन टू पर्सनल। तो वहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे पैटर्न पिन पासवर्ड नोट नाउ, तो वहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना, तो पासवर्ड लगा तो पैटर्न पिन लगा सकते हो। तो इसके लिए मैं नोट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद स्किप एनी वे पे क्लिक कर देता हूँ। तो स्किप एनी वे पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए वहाँ पे स्क्रॉल कर लेना, स्क्रॉल करने के बाद आपको इस तरह का दिखाई देगा। उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर देने का। तो एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे बोल रहा है कि वहाँ पे एनीथिंग लेस, तो वहाँ पे आपको क्या करना, नो थैंक्स पे आपको क्लिक करने का। तो एडिशन फिनिशिंग टचेस जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद आपको वहाँ इंपॉर्टेंट जो आपको मैसेज दे रहा है, जो लाइसेंस एंड टर्मिनल कंडीशन वहाँ पे एग्रीमेंट पासवर्ड हम दे रहा है। तो इसके लिए मैं इसको स्क्रॉल करके मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ओके पे क्लिक करो, देखिए फ्रेंड हमारा जो है वहाँ पे ओपन हो चुका है हम लोग का, जिस तरीके से हमारा जो है वहाँ पे ओपन हो चुका है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड जो हमारा प्रॉब्लम था वहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ हम लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत बोला। तो चलिए तब तक के लिए बंद मात्रा।